मेरा नाम निशिका है और मैं एक वकील हूँ। मैं मोस्टली ऑन द ग्राउंड काम करती हूँ ह्यूमन राइट्स इशूज़ और वुमन राइट्स इशूज़ पे। काफ़ी संघर्ष के बाद आज हमें सतपुरा के केस में बेल मिली है। ये एक वेलकम स्टेप है और हम काफ़ी खुश हैं कि सतपुरा को फाइनली जमानत मिल गई कोर्ट से। पर इसमें दो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो दिखी हैं। पहली ये है कि ये जो बेल है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मिली है और मेरिट्स पे नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि सतपुरा के केस के जो मेरिट्स थे कि उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन लेवल गए हैं उनमें क्या एक्चुअली कोई ऐसा एलिगेशन था जिसके बेसिस पे उन्हें बेल डिनाई की जा रही थी, ये कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है जब ये ऑर्डर पास हुआ है। और क्योंकि वो प्रेगनेंट हैं 5 मंथ्स, इसलिए उन्हें बेल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ग्रांट की गई है। तो आगे वाले केसेस में ये एज अ प्रेसिडेंट नहीं यूज़ किया जाएगा। ये दूसरी प्रॉब्लम है कि ऑर्डर में ये रिकॉर्ड किया गया है कि जो इस केस में हुआ है उससे बाकी केसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस केस की कोई भी सिंस ये मेरिट्स पे नहीं था इस केसेस का दूसरे केसेस पे कोई इम्प्लीकेशन नहीं हुआ। जो सिमिलरली प्लेस्ड केसेस हैं सेम FIR में जो अरेस्ट हुए हैं या सेम बाकी जो UAPA में बाकी अरेस्ट हुए एक्टिविस्ट के उन पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। सेंटर की जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी क्लियर रही है इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने शुरू में ही बेल नहीं अपोज की, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम बेल अपोज नहीं कर रहे प्रोवाइडेड ये दो कंडीशंस उनकी सेटिस्फाई की जाए कि बेल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दी जाए और मेरिट्स नहीं असेस किया जाए, और दूसरा ये कि ये प्रेसिडेंट न सेट किया जाए कि बाकी जो लोग अरेस्ट हुए वो उसका फ़ायदा ना उठा सके। ये काफ़ी एविडेंस स्ट्रैटेजी दिख रही है सेंटर की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सेंटर का स्टैंड ये था कि प्रेगनेंसी कोई ग्राउंड नहीं है किसी को बेल देने का और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया था। तो ये कह सकते हैं कि शायद सतपुरा को मेरिट्स पे भी बेल मिल सकती थी, ये जानते हुए ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई ताकि अगर एक को फ़ायदा हो भी रहा है तो बाकी अरेस्टेड लोगों को इस फायदे का रिपल इफेक्ट ना उन तक पहुँचे। तो ये काफ़ी क्लियर स्ट्रैटेजी रही है सेंटर की तरफ से। झटका एक नहीं कहेंगे कि इस बात को लेकर लगा है कि थोड़ा एक्सपेक्टेड था, पर बाकी जो एक्टिविस्ट अरेस्टेड हैं उनके भी अपने मेरिट्स हैं एंड होपफुली जब उनका केस हाईकोर्ट में आएगा तो वो अपने मेरिट्स पे उन्हें बेल मिलेगी। अभी 2 दिन पहले गुलफिशा वाले केस में हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी थी, वो मेरिट्स पे बेल डिसाइड हुई थी। पर होप कर रहे हैं कि जैसे अभी सतपुरा को बेल मिली है भले ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मिली हो, बाकी अरेस्टेड एक्टिविस्ट को भी बेल मिलेगी पर उनके मेरिट्स पे मिलेगी, क्योंकि डिसेंट करना हर बार ही क्राइम नहीं हो सकता है। तो होपफुली इस बात को कंसिडर किया जाएगा और इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए इन केसेस में भी होपफुली जल्दी ही बेल मिलेगी।